अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सर्दियों की सौगातें भी यहां पर आ जाती हैं। मैं इस वक्त टेक्सला में मौजूद हूं और सर्दियों की स्पेशल जो सौगात है खुश्क मेवाजात है, उसके बारे में आज थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे और दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें यहां पर होती हैं। और दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं, बादाम है जी, पिस्ता है, मेवा है, काजू है, फुरमानी किधर है, खुरमानी। अच्छा ये खुरमानी है, ये वाली और ये दूसरी इसके साथ जो है, ये दोनों खुरमानियाँ हैं, ये भी और ये भी। अच्छा ये है जी खुरमानी। आगे आ गया जी आपका इंजीर आ गया, और ये भी इंजीर है, और ये पिस्ता। अच्छा ये गिरी में है, ये मेवा सोगी, ये सारी चीज़ें भी हैं, खजूर और निम्को और ये चीज़ें भी सारी मौजूद हैं। अच्छा ये चकवाल की रेवड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, और गुड़ मूंगफली वाला, ये मूंगफली वाला है, मछियाँ बाने वाला केड़ा। अच्छा ये आम खाने के लिए, ये कहवे के साथ हैं, कहवा होता है उसके साथ होता है, ठीक होगा जी। ये चीज़ें भी मौजूद है जी। अच्छा अखरोट भी हैं जी, हम इनको खोड़ कहते हैं अपनी ज़बान में, और आप अपनी ज़बान में इसको क्या कहते हैं ये कमेंट करके आपने मुझे बताना है। चाइनीज़ अखरोट भी यहाँ मौजूद हैं, और मुरुंडे 5 रुपए के एक। अच्छा 50 रुपए ना एक मुरुंडा भी आया, ले मुरुंडे कड़े जी। तिलपट्टी अच्छा जी, ये चाइनीज़ वाले हैं, हमें पाकिस्तानी वाले दिए हैं, ये किस तरह नहीं हुए चाइनीज़ जड़े पर दसना। 600 रुपये किलो, 650। तो ये हैं जी खुश्क मेवाजात। टेक्सला में मौजूद रहते हैं ये, लेकिन टेक्सला में ये पैदा नहीं होते। अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो तो ज़रूर खुश्क मेवाजात खाइए, घर वालों को भी खिलाइए।